हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मिठाई खाने का मन कर रहा था तो तभी मुझे अचानक याद आया कि मेरे जो दोस्त हैं उनके सलेसा भाई भी हैं, वो यहाँ पे इटली में काम करते हैं, लेचे में। तो वो कुछ छुट्टियों के दिनों में इधर घूमने के लिए आई हैं। तो उनकी इंडिया में शॉप है मिठाई की, तो वो मिठाई बनाना जानती हैं। तो मैंने सोचा कि उनको घर पे लाए जाएं और कुछ मिठाई बनवा लें, क्योंकि यार इधर मिठाई का तो आपको पता ही मिलती नहीं है। तो आइए उनको लेने चलते हैं उनके घर और फिर बनाती है मिठाई। मिठाई में मुझे याद आया कि क्या बनाई जाए, तो उनसे बात हुई मेरे भी, तो उन्होंने बोला कि जलेबी, क्योंकि तुरता तुरते यदि कोई चीज़ बन सकती है तो वो है जलेबी। तो आइए हम जलेबी बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं, क्योंकि आज मंगलवार है तो खीर जलेबी का कॉम्बिनेशन भी अच्छा रहेगा। तो आइए चलते हैं उनके घर और उनको बुला कर लाते हैं। मैं भी चलूंगी, अभी भी आप देख रहे हैं कि क्रिसमस की। बाहर अंधेरा हो चुका है, लगभग 5 बजे इटली में दिन ढल जाता है। और ये दोस्तों सीट, जो कि इटली में यदि बच्चों को, छोटे बच्चों को बिठाना है तो यहाँ पर ही बिठा सकते हो, अन्यथा आप कोई सीट पे या गाड़ी में आगे नहीं बिठा सकते। हमारे गांव का नजारा शाम को कुछ ऐसा दिखता है। ये थी विंसी की स्कूल और इसके पास में ही हमारे दोस्त का घर है, और हम भी पहले यहाँ पर ही रहते थे इसी घर में 1 महीने पहले, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था शायद वीडियो में। तो ये हम पहुँच गए उनके घर। अभी भी देख सकते हो कि विंसी किस, विंसी तुम्हारी साइकिल, विंसी देख साइकिल चलाएगी। हाँ हाँ, इधर चला, इधर हाँ, आ जा आ जा। पहले यहाँ विंसी खूब खेलती थी, यहाँ पे मैं गाड़ी पार्क करता था। ठीक है विंसी, चलती है, फिर लेट हो जाएगी, आ जा। वो नहीं नहीं, वो उसको वापिस रख, उसको वापिस रख, वहीं वापिस रख। कैसे ला रही है? तो फ्रेंड्स, मैं और विंसी जाके और विकास जी को लाए हैं। ये हमारे दोस्त है, उनके साला साहब है, और इनकी शॉप है लक्ष्मणगढ़ में शॉप है इनकी, और शॉप बहुत अच्छी जलेबी बनाती है, क्योंकि अभी उनके घर पे बनाई थी हमारे दोस्त के, तो हमने बोला कि यार आप भी हमारे लिए भी बना दो। तो अभी देखते हैं, आपको बताते हैं रेसिपी की जलेबी कैसे बनाई जाती है। सर, तो ये दोस्तों पहले गर्म पानी कर लिया, क्योंकि सर्दियों में ये बोल रहे हैं कि गर्म पानी की जरूरत पड़ती है। और इस ये पानी चाशनी के लिए, अरे ये पानी चाशनी के लिए। तो दोस्तों हमने ये मैदा ना, तो ये लिया है मैदा, और आटा, जैसे कि फ्राई कर आटा है ना, वो पहले ही लगाते हैं जलेबी का, लेकिन तुरंत आटा लगा के और हम ये बना सकते हैं। तो देखते हैं ये किस प्रकार बनाते हैं। तो इन्होंने जो पानी गर्म किया था उसके अंदर ये देख रहे हैं आप कि डाल रहे हैं मैदा, और ये है मित्रों हाइड्रो, जो कि गांव में ही मिलता है, यहाँ इटली में तो नहीं मिलता। इसे कटाई जल्दी, तुरंत कटाई पकड़ाई हाइड्रो है जिन हाथ पे लगो लगाना पड़ा तो हाथ बना लियो। अच्छा, और जब लगा रखा नहीं तो वो खट्टो हुआ उफने देना ही तो है। पहले ये सारा मिक्स करके इसको अलग रख दिया इन्होंने, और अब बना रहे हैं चाशनी। तो फ्रेंड्स, इन्होंने चाशनी तैयार कर ली है, और तैयार करने के बाद अब इसमें निकालेंगे हम जलेबी। ऑयल डालेंगे, तो फ्रेंड्स ये इस तरह जलेबी बनाने का ये जो प्रोसेस है ये शुरू हो चुका है, और हमसे तो ये गोल गोल नहीं बनती, बाकी तो सब कुछ ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने भी पिछली बार जलेबी घर पे ट्राई की थी, लेकिन ये गोल गोल जो बना रहे हैं
ये इनकी हाथ की कारीगरी है जो कि ये फास्ट जैसे हाथ चलता है। यहाँ पर ही विदेशों में ये सबसे ज्यादा दिक्कत होती है मिठाई की, गांव में तो कहीं भी जाके दुकान पे हम खा सकते हैं, लेकिन यार यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है मिठाई की, और मिठाई के बिना कैसा जीवन। इनसे एकदम जलेबी के ऊपर खड़ी है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो जलेबियां बन के, और अब हम डाल रहे हैं इसको चाशनी में, और ये चाशनी पीने के बाद, और थोड़ी सी इनको चाशनी पिलाई जाती है अन्य, लेकिन यदि ज्यादा ये पी जाएगी जलेबी तो फिर ज्यादा मीठी हो जाएगी और आपकी चाशनी भी फिनिश हो जाएगी। मैं भी इनके पास खड़ा होके और इनकी हेल्प भी कर रहा था और देख भी रहा था कि अगली बार कैसे हम ट्राई करें जलेबी के लिए। और इन्होंने जो आटा लगाया था उसमें ये हाइड्रो था और ये मीठा सोडा था। यदि आपके पास ये दोनों ही नहीं है तो आप कम से कम आटा 24 घंटा पहले लगाएं और उसके अंदर थोड़ी सी दही की मात्रा भी डाल दें। और आप देख रहे हैं कि चाशनी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो ये वापस इसको उबाल रहे हैं और थोड़ी गर्म करके और फिर इसको पतली कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इन्होंने तो देखो ये कुंपी बोलते हैं गांव में कुंपी, ये लिए इसे निकाल रहे हैं, लेकिन आप इसकी जगह और कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे पिताजी जलेबी के लिए गांव में आता है ना, अलग आता है इसका एक निकालने के लिए सिल्वर टाइप का, और वो कपड़ा भी आता है जलेबी के लिए, कपड़े से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये तो कारीगर है तो वेट को एकदम बढ़िया बोल। उनकी बात ठीक है, सफाई आई इधर लेंगे। देख रही है ना बढ़िया एकदम गोल गोल, प्यारी चौड़ी चौड़ी एकदम। हाँ पहले ना ऐसे ही ये डाल रहे हैं इसके अंदर चाशनी के अंदर, तो इसको हमें जल्दी से बाहर निकालना पड़ता है, नहीं तो ये ज्यादा चाशनी पी लेगी तो फिर ये मिट्टी ज्यादा हो जाएगी। इसको एक बार जैसे इसके अंदर आई चाशनी के अंदर, इसको लिया और इसे झार के और इसको बाहर निकाल दो। तो इसके अंदर थोड़ा चाशनी में पानी डाला है क्योंकि थोड़ी गाढ़ी हो गई थी ये, तो इसको जब भी आपके गाढ़ा हो जाए ये चाशनी तो थोड़ा पानी मिला के और इसको पतली कर दे। और ये हाथ की कारीगरी है, आप ये देखो आज सारे जलेबी बनाए तो जलेबी के ऊपर खड़े हैं एकदम। इतने सारे जलेबी एक साथ देखी नहीं इधर इटली में तो कम से कम। ये आज आए थे तो इनका धन्यवाद है यार, इन्होंने बना के हमें, अब 5-10 दिन तो कम से कम ये चली जाएगी हमारी। और ये लास्ट पावा है जिसको पावा बोलते हैं, पावा लास्ट पावा मंजू निकाल रही है, देखिए कैसी निकल रही है अरे फास्ट चला हाथ, ये देखो राजस्थान में थेपड़ियां होती है ना, थेपड़ियां थेपड़ियों के जैसे निकाली है और ये सारी यही खाएगी, हम तो वो खाएंगे जो इन्होंने निकाली है। हम तो ये खाएंगे भाई, देखो एक कितनी एकदम हमारे जैसे गांव में मिलती है वैसे की वैसी एकदम। तो आपको जलेबी की रेसिपी भी बताई, क्योंकि यार बहुत लोग जैसे हमारी तरह बाहर रहते हैं तो उनको मिठाई कहीं ना कहीं नहीं मिलती, तो हमने सोचा कि आपको रेसिपी बताई जाए। और अब मैं जा रहा हूँ दूध लाने के लिए, यहाँ पे एक डेयरी है जिसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे जैसे गायों की दुआई होती है और सारा कुछ वहाँ पे जो मशीनें वगैरह है गायों की ऑटोमेटिक दूध निकालने की, वो सारा कुछ हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। और जलेबी तो बन चुकी थी तो हमने सोचा कि खीर भी बना लेते हैं, आज मंगलवार है तो खीर और जलेबी अच्छी भी लगेगी। तो तब तक मैं ले आता हूँ दूध और वापिस आके आपसे मिलता हूँ।
तो मैं फ्रेंड से दूध लेके और अब आ चुका हूँ घर, और मंजू बना रही थी खीर। और ये देखो दूध के हम इस तरह मग में लाते हैं, और दो बोतलें लगभग 8-10 किलो दूध लाते हैं हम। ये 5 किलो की एक बोतल है, जिसमें हर बार हम साफ करके इस बोतल को इसमें डलवा के ले आते हैं। और अब देखते हैं कि जलेबी और खीर कैसी बनी है। तो आइए, अभी गर्म है, थोड़ी ठंडी कर ले। मैं भी अच्छी बनी है हमारे गांव की तरह, क्योंकि वो भाई अच्छे कारीगर थे इस चीज के, तो यही काम किया, तो उन्होंने अच्छी बनाई है जलेबी। तो फ्रेंड्स अब खाना फिनिश करके और अब हम देखेंगे बिग बॉस, ये मेरा फेवरेट है। और थोड़ा रिलैक्स होने के लिए हम देखते हैं इस टाइम पे, क्योंकि आज वीकेंड का वार भी है, सलमान खान आए हैं, तो थोड़ा देख लेते हैं 1-2 घंटे और फिर हम सोएंगे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप प्लीज नए हैं तो हमारे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।